हमारे प्रोग्राम के लिए आज जो अपने ये गेस्ट हमारे हैं शैलजा सुब्रमण्यम मैडम, इनके बारे में मैं क्या कहूँ। इनका शिक्षण कर्नाटकी संगीत में हुआ है और इतनी बढ़िया आवाज़ कि क्या कहें। इनकी आवाज़ में आशा जी की छवि नज़र आती है, बट मतलब आशा जी, लता जी, इनके गाने तो हम सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज अगर आपको ऐसा कुछ अनुभव चाहिए कि लाइव लगे हमें कि वाह आशा जी और लता जी गा रहे, तो बस शैलजा मैडम का गाना सुनना चाहिए। इतनी बढ़िया आवाज़, क्योंकि क्या रियाज होता है और क्या अभ्यास होता है, ये सब इनकी गायकी में नज़र आता है। कि आज सिर्फ कलाकार ही अच्छे नहीं हैं, आज के प्रेक्षक भी बहुत अच्छे हैं और हमारी कला को बढ़ावा देने वाले आप जैसे महान प्रेक्षक यहाँ पर हैं। मतलब बोलते हैं ना कि माय बाप, प्रेक्षक को क्या बोलते हैं, माय बाप बोलते हैं, आप माय बाप होते हो, इसीलिए हम आगे बढ़ते रहते हैं। वेरी नाइस, चलते हैं अपने प्रोग्राम की। आरती जी के बारे में जितना कहे उतना कम ही है। आरती जी, उन्होंने जब से अपना खुद का म्यूजिक निर्माण करना शुरू किया तब उन्होंने कुछ अलग तरीका अपनाया। ओके, जैसे कि उनके पिताजी थे एसडी बर्मन, उनके सॉन्ग थे, लेकिन वो अपने पिता की राह पर नहीं चले। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए और इन प्रयोगों के लिए उन्होंने ऐसे आम इंस्ट्रूमेंट्स को ज़्यादा यूज़ नहीं किया। उन्होंने ऐसी ऐसी आवाज़ें खोज ली और उनका उपयोग अपने संगीत में किया, जैसे कि ग्लास पर ग्लास पटकने से चुरा लिया है तुमने जो दिल को, ये गाना आप सबको याद है, ये गाना आप सुनेंगे भी तो ये एक है। फिर पीठ थप थपा कर भी जो म्यूज़िक होता है उसका भी उन्होंने उपयोग किया, और अब कंघी, कुछ भी, मतलब कहीं से भी आवाज़ों निकाल कर अपने उन्होंने उसमें जान डाल दी और महान संगीत बनाया। लाइक एक और बात है, आपने सत्ते पे सत्ता फिल्म सबने देखी होगी, है ना, तो उसमें एक्टर महान अभिनेता अमिताभ बच्चन, उनकी एक विलन का ही उनका किरदार है, डबल रोल है, एक है हीरो एक है विलन, लेकिन विलन की एंट्री एकदम ढांसू बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था, तो एक अपने जूनियर आर्टिस्ट सिंगर थे उनको गार्गलिंग करने को बोला और वो था उनका म्यूजिक उस ढांसू एंट्री के लिए। वो कुछ इस प्रकार का था, मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ।